रक्षाबंधन का पावन त्यौहार 22 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधती हैं। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़ी कथा क्या है। जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने सोचा ये ब्राह्मण 3 पर में कितनी धरती नाप लेगा। उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन देखते ही देखते वामन रूप धारण किए विष्णु जी का आकार बढ़ता गया और 3 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दिया। कहा जाता है कि राजा बलि ने पाताल लोक में रहना स्वीकार कर लिया, परंतु दानवीर बलि ने कहा मुझे आपसे वचन चाहिए। भगवान विष्णु इस पर राजी हो गए। तभी राजा बलि ने विष्णु जी से कहा जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, जिस समय देखूं तो केवल आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण आपको ही देखूं। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। उधर लक्ष्मी जी को अपने स्वामी की चिंता होने लगी। इसके बाद लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारायण को वापस लाने का क्या उपाय है। इस समस्या का हल बताते हुए देवऋषि ने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लीजिए, उनसे रक्षा का वचन ले लेना, तिबार्चा करने के बाद दक्षिणा में नारायण को मांग लेना। तत्पश्चात माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण किया और रोते हुए पाताल लोक पहुंच गई। तब राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो दुखी हैं। तभी बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी बलि से तिबार्चा करवाया, दक्षिणा स्वरूप राजा बलि से उनका पहरेदार मांग लिया। कहते हैं कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है।